मन रूठे फराए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। अपने रूठे फराए प्रॉब्लम है ना, इसे अपना घर का पता याद है और ना ही अपना नाम। अगर मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके जाऊँ तो? नहीं भैया, गुस्सा करेंगे। मैं काम करती हूँ, मैं भैया से बात करके देखती हूँ, फिर इसे अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी। नहीं भैया, उसने कुछ किया नहीं है और वो पागल है, पूरा उसकी दिमागी हालत खराब है। भैया क्या हम लोग उसे अपने घर ले जा सकते हैं? क्या उस पागल को अपने साथ लेके जाएगी? भैया वो पागल नहीं है, बोले तो उसका दिमागी हालत पूरा खराब है। अगर हम लोग उसका इलाज कर लेंगे अच्छे से तो वो ठीक हो जाएगी। और उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं, बेचारी अकेली रहती है और मैं भी तो अकेली रहती हूँ ना भैया। अगर वो हमारे घर में हमारे साथ रहेगी तो मेरा दोस्त भी बन जाएगी और वो ठीक भी हो जाएगी। क्या हम उसे ले जा सकते हैं? ठीक है, अगर तुझे लेके जाने का मन है उसे तो लेके चल। मैंने कभी तेरा बात टाला है? नहीं। थैंक यू भैया। भैया मैं उसे जाके लेके आऊं? सुना, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल भी लेके चलूंगी। स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जाऊंगी। चलो मेरे घर, तुम्हारे घर में। हाँ ठीक है। भैया अचानक कहाँ पे जा सकते हैं? वो भी मुझे बिना बताए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो मुझे कहीं पे बता के नहीं गए, और भैया का तो कॉल भी नहीं लग रहा है। हेलो जी सर, सर प्लीज आप लोग जल्दी से देखिए। जी ठीक है। भैया कहाँ गया होगा? निकी, भैया कहाँ गया होगा? 3 दिन से घर में नहीं है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया की जान गई हो। दीपा मुझे लगता है भैया कोई काम के लिए बाहर गया होगा। लेकिन अगर काम के लिए जाता तो मुझे एक बार कॉल कर देता ना, लेकिन भैया तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। पता नहीं दीपा, लेकिन अभी हम दोनों को घर जाना चाहिए।
चल घर चलते हैं। उड़ते पतंगों में होड़ी बांध रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यहाँ वापस तो आ जाए। भैया का चश्मा, निकी इधर आ। भैया का चश्मा इधर गिरा हुआ है। भैया तो चश्मे के बिना कहीं पे नहीं जाता है, लेकिन इधर कैसे गिरा होगा? वही तो दीपा, और भैया इतना केयरलेस भी तो नहीं है कि भैया का चश्मा गिर जाएगा और भैया को पता ही नहीं चलेगा। कैसे हो सकता है? भैया मेरे भैया को जिसने भी मारा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। मेरे भैया को मैं नहीं मारा है। Finally, ये घर तक मैं आ ही गई और बस एक छोटा सा काम है, इस घर को मेरे मुट्ठ में लिखाऊं। इसके बाद ये घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगी। और तुम्हें लगता है तुम ये सब कर पाओगी? छी, तुम इतना घटिया लड़की हो। मेरे बहन ने तुम्हें अपने घर पे रहने की जगह दी और तुमने क्या किया? जिस खाली में खा रही हो उसमें छेद कर रही हो। अगर तुम अपना भलाई चाहती हो तो चुपचाप अपना बुरा असर बांधो और लिख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा सच्चाई मेरे बहन को पता चले और उसे बुरा लगे। तुझे भी मार दूंगी, और तुझे मार के तेरी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगी। फाइनली आज से मैं सारी प्रॉपर्टी की मालिक हो गई, मैं अमीर बन गई हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगा। जब मर्जी जो मर्जी वो मेरे हाथ में होगा।